शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा से बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी मंगलवार को ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। आपको बता दें कि खनिया थाना पुलिस ने दो अलग अलग मामलों में विधायक प्रीतम लोधी के खिलाफ में बीते 6 जून 2018 को शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया था। तब से इस मामले को की सुनवाई स्थानीय कोर्ट में चल रही थी। वहीं प्रीतम लोधी अब पिछोर विधानसभा से विधायक बन चुके हैं। ऐसे में स्थानीय कोर्ट से इस मामले को सुनवाई के लिए ट्रांसफर कर दिया गया है और ग्वालियर जिला न्यायालय में एमपी एमएलए कोर्ट विशेष कोर्ट में ये भेज दिया गया है। वहीं इस मामले में बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी का कहना है कि साल 2018 में बीजेपी सरकार जाने के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने फर्जी मुकदमे दर्ज कराए थे और अब मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि निर्णय मेरे पक्ष में होगा। अब इस मामले में 29 जनवरी को अगली और अंतिम निर्णय की सुनवाई होगी। ग्वालियर से योगेश वसारिया की रिपोर्ट। 17 महीने की कांग्रेस सरकार रही थी उस समय, कांग्रेस की सरकार में हम पर किस लगा दिए गए और ऐसे टाइम पे लगाए कि इधर भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई, 2 घंटे भी इंतजार नहीं किया, सवेरे 8 बजे तो केस लगा दिया मेरे पे। जैसी सरकार कांग्रेस की आई, जो उस समय के लगे हुए केसेज कांग्रेस सरकार पे होता क्या यही रहता है, केसों के लगवा के नहीं दबाव में लेना और लोगों को फालतू परेशान करना, ये काम किया है कांग्रेस ने।